कि जब तक भ्रष्टाचार मेरे प्रखंड से खत्म नहीं होगा तब तक लगातार मेरा जो है लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। मैं जो भी जो बात करूंगा वो जनता हित में बात करूंगा। अगर हम किसी के खिलाफ अगर बोलते हैं तो वो मेरे खिलाफ भी दो चार लोग बोल सकते हैं, वो जनता को दुख होगा तो हमारे पास आएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहने वाले पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार निषाद जी हमारे साथ है और फिर चर्चा होगी तमाम मुद्दों पर कि आखिर भगवानपुर प्रखंड में और भगवानपुर अंचल में लगातार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही थी आखिर कितना असर हुई है और जनता को इसे कितना फायदा पहुंची है। और लगातार फिर एक बार सुर्खियों में है, जनप्रतिनिधियों पर लगातार ये हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता के हर काम किसी कीमत पर होनी चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोग को भी फिर एक बार गर्म तेवर में है पूरा, क्या कारण है आप फिर एकदम तीखे तंज कस रहे हैं, लगातार जनप्रतिनिधियों पर हमला बोल रहे हैं, अधिकारियों पर हमला बोल रहे हैं, क्यों? इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब तक भ्रष्टाचार मेरे प्रखंड से खत्म नहीं होगा तब तक लगातार मेरा जो है लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। पदाधिकारी हो या भ्रष्ट प्रतिनिधि हो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो जनता के लिए काम करते हैं, कोई व्यक्तिगत मेरा निजी स्वार्थ नहीं है। मैं जो भी जो बात करूंगा वो जनता हित में बात करूंगा। तो अभी तक तो जनता हित में किए ना तो मिला क्या, आरोप तो लग रहे हैं आप पे। देखिए अगर हम किसी के खिलाफ अगर बोलते हैं तो वो मेरे खिलाफ भी दो चार लोग बोल सकते हैं, दो चार ही लोग बोल सकते हैं, गिन के औरी पर दो चार लोग बोल सकते हैं। लोग, जनता या प्रतिनिधि, कौन? भ्रष्ट प्रतिनिधि और जो भ्रष्ट पदाधिकारी है वो ही बोल सकते हैं। जो जनता है और जो अच्छे पदाधिकारी है वो कभी भी जो है ऐसे अच्छे लोगों के खिलाफ नहीं बोलते। लगातार पिछले कई महीनों से जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है भगवानपुर प्रखंड में, भगवानपुर अंचल में लगातार बिगुल फूके हुए थे, सीओ के खिलाफ खास करके बिगुल फूके थे, कितना रंग लाई है आपकी मेहनत? देखिए ये आप लोग का चैनल, लोग आपके चैनल थ्री एम नेशनल न्यूज का चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी आवाज को जो बिहार तक पहुंचाने का, भारत तक काम किए हैं, इसके लिए पहले आप लोग का धन्यवाद दे रहे हैं। सीओ का मामला हम लोग को गया नहीं, सीओ बहुत बड़ा लपेटे में आ रहे हैं। जो अभी हमारे पंचायत में अब एक नए आपके चैनल के माध्यम से दो चार आठ दिन में मैं नए खुलासे करूंगा सीओ के मामले में, जो जहां विद्यालय की जगह है पंचायत भवन एनएच में चल गया है उसको बनाने के लिए जगह नहीं है, वहां पैसा लेकर के क्या कहते हैं जो भूमिहीन होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो जमीन देना है उसको कर रहे हैं लाख दो लाख रुपया लेकर के। आप वहां विद्यालय बनवाइए जो हमारे समाज के छात्र छात्राओं को भविष्य बने, हमारे समाज उज्जवल हो। आप पंचायत भवन जो हमारे एनएच में कट गए हैं उसको सरकारी जहां जगह है मुहैया कराइए, बिहार सरकार पंचायत भवन बनवाने के लिए आप लगिए, आप लोग दलाली करने के लिए लगे हुए, दलाल को फायदा किया। अरे लगातार सीओ के खिलाफ आप इतने ठोस ठोस सबूत एकदम स्ट्रिंग कर रहे हैं, आखिर ये सब आप ला कहां से रहे हैं? पिछली बार भी ऑडियो वायरल हुई थी मेरे खबर चलाने के बाद और हम लोग की आवाज उठाने के बाद जो राजस्व कर्मचारी थे उनको जेल भी हो गई, आपको पता है? जी जी जी, इनको जेल भी हो गई है, उसके बाद भी लगातार तीखे तेवर में है, लगातार आप ये जो ऑडियो ला रहे हैं वीडियो ला रहे हैं कहां से हासिल हो रही है? ये सब जनता जनार्दन के पास से आते हैं, कोई मेरा सेटिंग नहीं है, कोई मेरा कैमरा लेके लोग नहीं बुगा रहे हैं, बैठे हुए नहीं है जो सीओ के खिलाफ और दलाल के खिलाफ टेकअप कर रहा हो। वो जनता को दुख होगा तो हमारे पास आएगा और जनता जब मेरे पास आएंगे तो जनता के यहाँ हम तो लगातार गोड़ धरे हैं, वोट मांगे हैं, कर जोड़े हैं, दीदी भैया चाचा चाची, तो क्या उनके काम के लिए हम जाके घर में सो जाए 5 साल? तो अभी तक जो आपने लड़ाई लड़ा है उसका कितना असर हुआ है आपके जनता को, कितना जो है कि कष्ट निपटा हुआ है? बहुत सारे असर हुआ है, मैं आपको चैनल के माध्यम से कह देता हूँ। पहले होता था इंदिरा आवास जी, समझे, अब होता है पीएम आवास योजना जी। तो इंदिरा आवास में 2006 से लेके 16 तक जी यहाँ के जो दलाल प्रतिनिधि थे वो लोग जो है नाम जुड़ने के नाम पर और पैसा घुस नहीं दीजिएगा तो पास नहीं होने के नाम पर वो लोग बहुत एडवांस पैसा लिया हुआ है। मैं आपके चैनल के और आपके ही माइक पर, इसी माइक पर वह जनता से बात कराऊंगा जो जनता ने पैसा अपना हाथ से गिन के दिया, आज तक काम नहीं हुआ। एक मेरा एक बात और, पीएम आवास योजना जब से हुई तो हमारे पंचायत में लगभग 114 लोगों को जो है से नए वाले वित्तीय वर्ष 21-22 में जो हुआ है
उसमें दलाल लोग जो है से क्या करते थे कि 30,000-40,000 रुपया जो है से लेते थे, 30,000-40,000 लेते थे। उसका लड़ाई मेरा संघर्ष जारी रहा, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के चैनल के माध्यम से मेरा जो है से मिशन लगातार ओवरटेक करते रहा। इसका कारण हुआ कि 40-45 लाख रुपया जहांगीरपुर पटेरा पंचायत में पीएम आवास योजना में बचाने का काम हम किए। उसके बाद भी आप लगातार जनप्रतिनिधियों का टारगेट क्यों कर रहे हैं? वर्तमान की बात करें, पूर्व की बात करें, लगातार जनप्रतिनिधियों को हिट क्यों कर रहे हैं? इसलिए हमको हिट करना पड़ रहा है कि आप अगर जनप्रतिनिधि हैं, अगर जनता आपको वोट देता है तो कोई आशा है उसके पास कि हम अच्छे लोगों को जिताएंगे तो हमारा विकास करेगा। लेकिन आप लोग विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं। आप लोग भ्रष्टाचार के तरफ जा रहे हैं। आप जो भ्रष्टाचारी है, आप अगर स्वच्छ है तो अगर हम सही बोलते हैं तो आप लोग के चैनल तो चलाती है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी चलाती है, सबको समस्या उठाती है। तो जो गलत करेगा लोग उसके खिलाफ हम बोलेंगे तो मैंने प्रतिनिधि के खिलाफ हुआ, ऐसा नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, प्रतिनिधि के खिलाफ नहीं है। दलाल प्रतिनिधि मुखिया हो, अभी तो देखिए, अभी हम आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अभी थोड़ा देर पहले हमको मुजफ्फरपुर जिला से फोन आया हुआ था जी। मुजफ्फरपुर जिला के क्या कहते हैं, कटरा से सुधांशु जी हमको फोन किए हुए थे, जो वहाँ के मुखिया और मुखिया के बेटा सरपंच के फोन पर गाली गलौज और धमकी दे रहा, हत्या करने का धमकी दे रहा है। आखिर क्यों? सरपंच सही बोल रहा है, इसलिए आप हम लोग जब तक प्रतिनिधि रहेंगे, जब तक सरपंच पर रहेंगे, तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक मैं जनता के पैर पकड़ते चलूंगा, वोट लेते चलूंगा, तब तक मेरा अधिकार रहेगा कि मैं उनका वोट लिया उनका काम करता रहूंगा। इसलिए हम लोग डरने उड़ने वाले किसी से नहीं है। आगे क्या कर, भगवानपुर में आप लगातार कह रहे कितनी भ्रष्टाचार फैली हुई, तो इसका स्टार्टम क्या हुआ कि इसे भ्रष्टाचार दूर हो? आगे की रणनीति क्या हो, कैसे लड़ाई लड़ेंगे इसके खिलाफ? अब देखिए, अब हम लोग बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की ओर से 21 फरवरी को जी पंचायत राज परिषद तारा मंडल के ठीक सामने हमारा संगठन का महाबैठक है जी। उस बैठक में अहम निर्णय लिया जाएगा अमोद कुमार निराला प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, जो हम लोग को कार्यक्रम होगा। अभी तो हम लोग आगाज किए भगवानपुर से जी। हमारा पूरा बिहार के 38 जिला मुख्यालय पर और सभी प्रखंडों में हम लोग को जो है से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार चलेगा। न भ्रष्ट सीओ बचेंगे, न भ्रष्ट बीडीओ बचेंगे, न बीपीआरओ बचेंगे। आज जो दलाल प्रतिनिधि जो है, मुखिया हो, समिति हो, जिला परिषद हो, चाहे जो भी लोग है, वो हम लोग से नहीं। अच्छा, एक सवाल आपसे कर ले, बोलिए। सारे भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं, अभी मैंने थोड़े पहले एक वीडियो शूट किया है, आपके दरवाजा पर से नल जल की पाइप गुजर रही है, आपको तो पता ही होगा आपके दरवाजा पे। ये दुर्भाग है, देखिए। नहीं, पहले सवाल तो सुन लीजिए, आप दूर के भ्रष्टाचार से बाद में लड़िएगा, पहले घर पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके दरवाजे में भ्रष्टाचार हो रहा है, और आप पहले इतना जवाब दीजिए, क्या मापदंड के अनुसार वो काम हो रहा है? देखिए, आप इस पंचायत का सरपंच है, पहले इतना बताइए, क्या वो मापदंड पे काम हो रहा है? हम आपको बता देते हैं जी। ये कहावत है कि जो बिजली मिस्त्री होता है उसको घर में ठीक से लाइन नहीं जाता जी। उसी तरह हम प्रखंड 21 पंचायत के, क्या पूरे बिहार के हम लड़ाई में शामिल है जी। हमारे यहाँ 2 साल से पानी नहीं है, लेकिन जो इंजीनियर है इसका, जेई प्रमोद जी है, वो अच्छे लोग है, वो आया है तब से, हम जब से फोन किए हैं रेगुलर, कल परसों से हमको काम लगवाया है। उससे पहले जो जेई सब था कुछ नहीं सुनता था। आज आप सरपंच है तो जेई साहब आपकी सुन लिया, आम जनता को कौन सुनेगा? आम जनता को हम लोग सुनने के लिए तैयारी है ना। तो आप ही के दरवाजे में तो भ्रष्टाचार हो रहा है, आप ही के दरवाजे में मापदंड के अनुसार काम नहीं हो रहा है, नल जल का पाइप ऊपर तैर रहा है। तो देखिए देखिए, ये सब प्रतिनिधि लोग का गड़बड़ी है। आवाज उठना चाहिए ना इस पे? अरे आवाज उठना नहीं चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। आवाज की बात नहीं होनी चाहिए, आवाज क्या कि किसी को गाली दे देना जी, ये नहीं होना चाहिए। पूरा भरपूर लड़ाई होना चाहिए। ये जो जल नल है, हमारा 8 नंबर में घर है, यहाँ पंचायत समिति भी है और यहाँ सरपंच भी है, रेगुलर है, 10 सालों से है, 10 साल से उप सरपंच, 20 साल से है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ नल जल का काम अधूरा है। अगर ये 4 दिन में काम कंप्लीट नहीं होगा तो आगे का राजनीतिक जो होगा, आगे का मेरा संघर्ष जो होगा, लड़ाई होगा, वो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जहांगीरपुर पटेरा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि थे, साथ ही में बिहार प्रदेश
पंच सरपंच संघ के जो उपाध्यक्ष है वशिष्ठ कुमार निषाद थे, लेकिन सबसे विडंबना की बात है पूरे प्रखंड और जिला से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनका घर इनका दरवाजा खुद भ्रष्टाचार के शिकार हो गया है। लेकिन लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और इतनी तगड़ी चलेगी कि भ्रष्टाचारियों को झुकना पड़ेगा, और तब तक लड़ाई चलेगी जब तक वो लोग झुक नहीं जाते हैं, और अपने हक के लिए जनता की आवाज के लिए लड़ना तो पड़ेगा ही। फिलहाल तमाम खबर तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक बने रहे 3 एन नेशनल नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।